जय श्री राम। हाँ देखो हम लोग इसका थोड़ा आवाज तेज कर दो और इनको कम कर दो, आवाज को क्लियर करो, एकदम क्लियर करो, आवाज में क्लियर है। हरे कृष्णा। हाँ तो इनको बात करके हरे कृष्णा हरि बोल हरे कृष्णा। हाँ देखो हम लोग गुरु पूर्णिमा को उपलब्ध करते हुए हम लोग आज यहाँ पर उपस्थित हुए। गुरु पूर्णिमा मतलब है आज जो 13 तारीख को ये गुरु पूर्णिमा है, ये 13 तारीख को जो व्यास देव का ये जन्मदिन, किसका जन्मदिन है? वेद व्यास जी का जन्मदिन। अब जो वेद व्यास है इन्होंने ही हमारे जितने वेद पुराण इतिहास जितने सारे ग्रंथ उन्होंने ही लिखे, इसलिए वो हमारे मूल गुरु है। इसलिए गुरु होने का वजह से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसी दिन गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। क्योंकि अगर श्री व्यास देव नहीं होते, जैसे हमारे जैसे भागवत है, वेद है, पुराण है, उन्होंने रचना की है, अगर इन्होंने अगर ये ग्रंथों को रचना नहीं करते, भगवान कौन है, उनको भक्ति कैसे करनी चाहिए, भक्ति करने से क्या मिलता है, ये सब विषय को किसने बताया? कहते श्री व्यास देव बताए। इसलिए श्री व्यास देव कौन है? बोले व्यास नारायण स्वयं। ये व्यास कोई जीव नहीं है, बड़ी जरूरत। इसलिए कहते व्यास देव ये कोई जीव नहीं है, बल्कि ये व्यास नारायण स्वयं, ये भगवान नारायण ही ये व्यास देव रूप में प्रकाशित हुए हैं। इसलिए व्यास देव को भगवान की सत्यावेश अवतार बताते हैं। मतलब क्या? भगवान कभी कभी ये जगत में कुछ काम करने के लिए कभी कभी स्वयं आते। इसलिए कृष्ण कहते ना जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतान अधर्मस्य तदात्मान संज्ञानम्। इसलिए कृष्ण कहते हे अर्जुन, जब जब किसी जगत में अधर्म बढ़ जाए, वो ब्राह्मण साधु संत ये पृथ्वी के ऊपर अत्याचार होने लगता है, तब तक मैंने किसी जगत में अवतीर्ण होकर के भक्तों को मैंने पालन करता हूँ और दुष्टों को मैं संहार करता हूँ। भगवान तो कभी कभी खुद आ जाते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण हर समय नहीं आ पाते। इसलिए वो कभी कभी क्या करते हैं, किसी उपयुक्त व्यक्ति को जगत में भेज देते हैं। किसको अंदर कुछ शक्ति शक्ति संचार करके, किसको अंदर में कुछ गुण को प्रकाश करके, किसको अंदर में अपना अंश को प्रकाशित करके, कभी कभी भगवान किसी जगत में किसी को भेज देते हैं। इसलिए यदि ये व्यास देव कौन है, बल्कि ये व्यास देव जी भगवान की सत्यावेश बता। मानव भगवान ने श्री व्यास देव के रूप में अपना सारे शक्ति को देख करके जगत में प्रकटित किया है। इसलिए कहते हैं व्यास देव जी कब कैसे जन्म हुए, कहते व्यास देव कैसे कब जन्म हुए हैं, कहते श्री व्यास देव जी इनकी माता से तो बैठना कथा जो हो रहे ज्यादा दिमाग न चलाए सनकपुर का मन नहीं मन करना इधर उधर बैठे पूजा बैठ। इसलिए कहते ये व्यास देव जी कैसे प्रकटित हुए, कहते श्री व्यास देव जी का जो पिताजी का नाम था पराशर, क्या नाम था? जोर से बोलो पराशर। कहते पिताजी का नाम था पराशर जी। कभी ये पराशर ऋषि ये जमुना पार करके आए थे, जब जाना चाह रहे थे वापस जाना चाह रहे थे, पहले क्या क्या होगा आपको पता होगा, पहले जो केवट होता था वो नदी किनारा भी रहता था। जब कोई व्यक्ति आए उसको नदी पार करा देता था। अभी दिन भर केवट नाव चलाते चलाते परेशान तो हो गया था, इसलिए वो विश्राम कर रहा था।
इतने में श्री पराशर ऋषि आए। जब पराशर ऋषि आए तब पराशर जी बोले, केवट भैया मेरे को यमुना पार करा दो। और दिन भर नाव चलाते चलाते थक गए थे। तब उनकी एक बेटी थी, जिस बेटी का नाम थी सत्यवती। क्या नाम थी? सत्यवती नाम थी। इतने में बोले, बेटी ऋषि आए हैं, तुम भी इनको थोड़ा यमुना पार करा दो, मैं थक गया। इतने में उनकी जो बेटी सत्यवती ने इनको ये यमुना नदी की पार करा रहा था। और पार कराते कराते जब ठीक बीच दरिया में आए हैं, दरिया में आने पर इतने में श्री व्यास देव भी साधारण नहीं, भगवान का होता। अभी श्री पराशर ऋषि भी, उनको पिताजी, वो भी साधारण नहीं। उन्होंने अपना तिब्बत दृष्टि से देखा है कि जो बेटी है ना, वो कोई साधारण नहीं है, हैं? ये सत्यवती कोई साधारण नहीं। बोले, ये सत्यवती कहाँ से आई, साधारण क्यों नहीं? इनकी कथा सुन लो। बोले, जो सत्यवती, इसका एक नाम था मत्स्यगंधा। महाभारत देखे हो? देखे कि नहीं? महाभारत शांतनु महाराज के साथ में बात हुई थी, शादी भाई है, हैं? कहती है मछली के पेट से जन्म हुई। बोले, मछली के भी लड़की जन्म दे सकती है? बोले, एक समय एक ऊपर जल पशु वो आकाश में उड़ते हुए जा रहा था, जाते जाते उनकी वीर्य स्खलित हो गई। स्खलित होने पर इतने में पड़ी यमुना नदी। इतने में एक मछली ने ये वीर्य को उन्हें खा लिया। जब खा लिया कि जो मछली, ये पूर्व जन्म में स्वर्ग की कोई गंधर्वी थी, लेकिन कुछ अपराध करने का वजह से उनको अभिशाप से ये मछली जन्म हुआ था। जब उन्होंने वीर्य को ग्रहण की, वो मछली के पेट से ही बच गई। अब ये जो केवट ने वो जाल से मछली को पकड़ा तो जब मछली को खाते देखा, उसकी अंदर में ये बेटी थी। और इतने सुंदर थी, क्योंकि वो कोई मछली गंधर्व भी थी, स्वर्ग की कहना अवसरी कोई थी, बड़ी सुंदर थी। और वो ऊपर चल जो बसु है उनकी ब्रिज से, इसलिए इसकी इतनी सुंदर थी वो लड़की, लेकिन ये मछली के पेट से जन्म हुई, इसलिए उसको शरीर से मछली की बदबू निकलती, क्योंकि मछली के पेट से जन्म हुई है, लेकिन देखने में बड़ी सुंदरी थी। जब ये ऋषि को यमुना पार करा रही थी, इतने में पराशर ऋषि ने अपना दिव्य दृष्टि से देखा है, ये बेटी कोई साधारण नहीं। तो उन्होंने उनको ऊपर में उन्होंने दिव्य दृष्टि डाली। दिव्य दृष्टि डालते ही वहां पर एकदम कोहरा कोहरा हो गया। दिव्य दृष्टि डालने पर दिव्य दृष्टि से ही उसी समय में ही ये व्यास देव जी उसकी गर्भ से जन्म हुए। बोले, श्री व्यास देव की। लेकिन जब जन्म हुए, अभी वो बेटी की शादी नहीं हुई। अगर शादी से पहले अगर किसी लड़की की कोई बच्चा हो जाए, हमारे देश में बदनामी मानी जाती है, शादी से पहले शादी नहीं हुई इसलिए बच्चा हो गया, तो वो बेटी तो शर्मा गई। बोले, ऋषि वर, अभी मेरी शादी नहीं हुई और शादी से पहले ही बच्चा हो गया। तब श्री पराशर ऋषि बोले, देख बेटी, ये जो बेटा हुआ ना, एकदम लंबे चौड़े देखने में बड़े सुंदर प्यास कर, जैसे छोटे बच्चे नहीं, ऐसे जन्म नहीं हुए हैं, वो एकदम 16 साल के लंबे चौड़े देखने में बड़े सुंदर थे। जब जन्म हुए, इतने में श्री पराशर ऋषि बोले, बोले सत्यवती, चिंता मत कर, कि जो बच्चा जन्म हुआ ना, इसी की वजह से सारा दुनिया में तुम्हारी जयकार हुई। जब तक ये दुनिया रहेगा, तब तक इनकी तुम्हारी नाम और इनका नाम होगा, भगवान स्वयं अवतीर्ण होगी, सारे वेद वेदांत ग्रंथों को इन्हें ही प्रकाश करने वाले होंगे, इनसे नाम तुम्हारा उजाला होगा। महाभारत देखे होंगे, जब श्री है जिस समय पांडु महाराज ने मारा गए है, उसी समय में ये व्यास देव को उन्होंने बुलाए, और इनकी औरत से ही
इनकी औरत से ये वंशा आए, और जो महाभारत में जो वंशा आए हैं इनकी औरत से ही सबके सब इनका औरत से ही आए व्यास देव की। इसलिए मैंने इनकी वजह से जगत में सारे ग्रंथ प्रकाशित होंगे, इसलिए कोई चिंता की बात मत करो, सारा दुनिया में इसकी वजह से तुम्हारी जयकार होगा। इसलिए ये व्यास देव ने ही आज का दिन जन्म ग्रहण किए थे, 13 तारीख को गुरु पूर्णिमा को वो जन्म हुए थे। इसलिए उसी दिन क्या होता है, सब लोग व्यास देव को पूजा करते हैं। अभी प्रश्न होता है, उसी दिन तब व्यास देव की जन्म हुई तब तो पूजा तो व्यास देव को होनी चाहिए, लेकिन हम लोग अपना गुरु जी को क्यों पूजा करते हैं? अपना अरे ये गुरु जी को क्यों पूजा करते हैं? पहले कारण है, इनका नाम व्यास है। व्यास मतलब होता है विस्तार करना। क्या होता है? अरे बोलो जोर से। व्यास मतलब होता है विस्तार करना। जैसे व्यास देव जी पहले एक वेद था, एक वेद को उन्होंने 4 वेद रूप में प्रकाशित किया, फिर उन्होंने उपनिषद को प्रकाशित किया, फिर उन्होंने ब्रह्म सूत्र को प्रकाशित की, फिर उन्होंने 70 पुराणों को लिखे हैं और 5वां वेद श्री महाभारत को लिखे, लेकिन तब भी मन में शांति नहीं मिली। तब नारद जी आकर के भागवत के लिखो, जब उन्होंने भागवत को लिखे तभी इनके मन में शांति पड़ी, तभी इनके मन को शांति मिली। इसलिए सारा दुनिया में क्या होता है, हम लोग श्री भागवत कथा सुनते हैं ना, क्यों भागवत कथा सुनते हैं? यदि स्वयं व्यास देव जी ने ये भागवत ग्रंथ को रचना करते हुए उनको शांति मिली है, इसलिए जब हम भागवत कथा सुनते हैं हमें भी शांति मिलती है और मन में भी शांति और सुख मिलती है। इसलिए कहते श्री श्री हमारे जो गुरुदेव है व्यास देव ने जो काम करके गए थे, जैसे सारे ग्रंथ शास्त्र को रचना की और जगत में विस्तार किया, कहते उसी परंपरा में हमारे गुरु जी भी आए हैं, हमारे गुरु जी भी वही काम कोई कर रहे हैं। जगत में समस्त वेद पुराण उपनिषद को जगत में उन्होंने प्रचार और प्रसार करते हैं। इसलिए गुरुदेव को भी श्री व्यास के अभिन्न मूर्ति मानी जाती है। इसलिए सब लोग गुरु पूर्णिमा का दिन अपना अपना गुरु जी की पूजा करते हैं, अपना अपना गुरु जी की पूजा करते हैं। इसलिए श्री व्यास देव जी की बड़ी महिमा है और हमारे सहमत हमारे प्रभु जी कुछ गुरु तत्व गोकर में व्यास तत्व गोकर में कुछ आपको कुछ बताए। ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य दयाल प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्त वृंद। सब लोग एक बार हाथ उठाकर बोलेंगे, बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी आप लोग बोले हम श्रवण करेंगे, बोला हरे पहले गुरु पाद पद्मा ओम विष्णु पाद अष्टोत्र सदस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी गुरु महाराज जी चरण साक्षात दंडवत प्रणाम करके उनके हेतु कृपा वंचा करता हूँ। तत्पश्चात परम गुरुदेव वर्ग नेत्रीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोत्र सदस्य श्रीमद् भक्ति तिरुपति भ्रांति गोस्वामी महाराज जी नेत्रीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोत्र सदस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी चरण भाई
सबके चरणों में अधम खाली खाली में दंडक प्रणाम स्वीकार। आज हम बड़े सौभाग्यवान का दिन है कि हम यहाँ पे गुरु पूर्णिमा के अवसर पे सब लोग एक जगह पे इकट्ठा हुए हैं। अभी गुरुदेव विशेष करके बता रहे थे कि जगत में जिस समय व्यास जी प्रकट हुए उनके जो तिथि है उनको तिथि को सब गुरु पूर्णिमा नाम से जाना जाता है। सब उनको जानते हैं कि गुरु पीछे पीछे आवाज आ रही है इसका इको आवाज आ रही है पीछे का बोल श्री गुरुपाद पद्म की। सबके सब विशेष करके उसी दिन अपने अपने गुरुदेव को आराधना करते हैं, अपने अपने गुरुदेव को पूजा करते हैं और अपने अपने गुरुदेव को विशेष विशेष कर्तव्य के द्वारा विशेष विशेष अधिकार के द्वारा सेवा करते हैं। तो यहाँ पे एक प्रश्न उठ रहा है, हम लोग माता रानी की पूजा करते हैं कि नहीं करते हो? क्या बोलते हो? दुर्गा पूजा। गणेश जी की पूजा करते हो? गणेश पूजा हाँ। लेकिन जितने भी देवा देवी को हम सबका पूजा करते हैं जगत में, सबका नाम लेके बोलते हैं, है ना। कोई भी पूजा आ जाता है, शिवरात्रि आ जाता है तो हम बोलते हैं शिव पूजा। तो सारे जितने भी पूजा करते हैं एक एक नाम है उसका। लेकिन भैया जो गुरु पूर्णिमा है, जो व्यास जी को पूजा है, उसको गुरु पूजा क्यों कहा जाता है? उसी दिन को गुरु पूजा क्यों कहा जाता है? और तो और जिस दिन गुरुदेव का आविर्भाव तिथि है उसी दिन को बोला जाता है कि गुरु पूजा। उसी दिन को भी गुरु पूजा के रूप में मनाया जाता है। तो इसका तात्पर्य बता रहे हैं, हमारे सर्वश्रेष्ठ जो साधन का जो मूल चीज है वो है हमारे गुरुदेव। गुरुदेव ही हमारे मूल है। देखिए अभी गुरु महाराज बता रहे थे व्यास विस्तार इति व्यास। एक शब्द में व्यास का अर्थ है विस्तार करना, क्योंकि उन्होंने चार वेद को विस्तारित करके फिर अठारह पुराण, फिर अंतिम कृति भागवत, पंचम वेद, महाभारत, बहुत सारे ग्रंथ को उन्होंने हम जैसे बद्ध जीव के लिए कृपा प्रदान करके दिए। यहाँ पे और एक अर्थ में बता रहे हैं, व्यास का अर्थ है कि व्यास मतलब जैसे हम साधारण जगत में समझते हैं कोई एक बीच में जो आवृत होते हुए उसको चारों तरफ कोई परिधि को उसको बोला जाता है व्यास। तो बता रहे हैं जो बीच में जो सेंटर पॉइंट है वो है हमारे गुरुपाद पद्म। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि बिना गुरुदेव के कृपा से, बिना गुरुदेव के कृपा से कोई भी जीव का कभी भी कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं बिना गोर भव निधि तरई न कोई, बिना गोर भव निधि तरई न कोई, जो मेरन की बिना गुरु भवन निधि तरही ना कोई। बिना गुरुदेव के कृपा से कोई भी इस जगत को पार नहीं कर सकता। और जो विरंचि शंकर सम होई, यानी ब्रह्मा हो या शिव जी हो, यहाँ तक कि हमने अपने रामायण देखे होंगे कि राम जी जिस समय छोटे अवस्था किशोर अवस्था से जैसे ही धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं तो दशरथ महाराज उनको गुरुकुल में भेज रहे हैं। यद्यपि परात्पर परदत्त भगवान है फिर भी उन्होंने गुरु ग्रहण किया, वशिष्ठ मुनि के आश्रम में गए और वहां पे विधिवत अपने पूरा का पूरा गुरुकुल में रह के सेवा करना और गुरुदेव के कैसे कैसे उपदेश को ग्रहण करना, ये सारे चीज राम जी हम जगत बद्ध जीव को सिखा रहे हैं। कृष्ण को भी देख लो, कृष्ण ने भी जगत में गुरु ग्रहण किए। और सबसे बड़ी बात तो श्रीमन महाप्रभु,
इस जगत में स्वयं राधा कृष्ण होते हुए भी उन्होंने ईश्वर को दीपाल से दीक्षा आदि ग्रहण किया। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान होते हुए भी स्वयं आचरते जसमान आचार्य तेन कीर्तिता, भगवान भी स्वयं आचरण करते हुए स्वयं हमको बता रहे हैं कि इस जगत में अगर उद्धार पाने के एकमात्र उपाय है वो है केवल गुरुदेव। गुरुदेव ही इस जगत से हमको पूर्ण रूप में उद्धार कर पाते। लेकिन सबसे बड़ी बात है, हम जगत की सारे चीज को तो विश्वास कर लेते हैं, सब बात को हम विश्वास कर लेते हैं, लेकिन हम शास्त्र के बात को नहीं मानते। ये गुरु गुरु सब बेकार है भाई, तिलक कंठी धारण करो, ये सब जितने भी हमारे अच्छे के लिए गुरु महाराज जी कहते हैं, इस चीज को हम नहीं मानते, इस चीज को हम ग्रहण नहीं करते। बोले देखो, हम सैलून में जाते हैं, सैलून में जाके गर्दन दिखा देते हैं नाई को, बोले चूरा चला ले, अगर काट दे तो कभी सोचा है? आराम से आंख बंद करके ऐसे गर्दन दिखा देते हैं, भाई सेविंग कर दे, और उसके हाथ में बढ़िया लंबा सा चूरा है या चला रहा है, उसके ऊपर हमारा विश्वास है, उसके ऊपर हमारा विश्वास है। गाड़ी में, बस में, ट्रेन में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं और सीधा का सीधा आंख बंद कर वहीं सो जाते हैं, ड्राइवर के ऊपर हमारा पूर्ण विश्वास है, थोड़ा इधर उधर हुआ तो क्या होगा, सीधा खाई में गिरेगा। अभी कुछ दिन पहले हम बद्रीनाथ केदारनाथ चार धाम आदि में गए थे, तो वहां पे हमारे आंखों के सामने ही एक बड़ा सा एमपी का गाड़ी नीचे गिर गया, 20 लोग मर गए, आप लोग देखे होंगे, प्रभु जी कह रहे हैं 30 लोग मर गए। हम उनके ऊपर विश्वास कर देते हैं, हम उनके ऊपर विश्वास करते हैं। देखो जगत में हम सबके ऊपर थोड़े ना थोड़े विश्वास कर देते हैं, लेकिन हमारे शास्त्र के ऊपर इतना विश्वास नहीं होता, शास्त्र के ऊपर हमारा विश्वास नहीं होता। जो हमारा मूल चीज है, जो हमारा मेन आध्यात्म सनातन धर्म है, हम उसको विश्वास नहीं करते, सब चीज के ऊपर हम विश्वास करते हैं। तो देखिए यहाँ पे बता रहे हैं, शास्त्र में बता रहे हैं कि अगर हमें अपना कल्याण करना चाह रहे हैं, हम अपने कल्याण के लिए सोच रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, गुरुदेव के शरणापन्न होके गुरुदेव के माध्यम से हमें क्या करना पड़ेगा, भगवान के भक्ति करना पड़ेगा, तभी जाके हमारा उद्धार होगा। देखो ये व्यास जी स्वयं जगत गुरु, स्वयं गुरु तत्व है, फिर भी इनका जिस समय 17 पुराण को लिखने के बाद भी इनके मन को संतोष नहीं मिला, तो इनको मन को संतोष नहीं मिला तो उसी समय स्वयं नारद जी आते हैं, स्वयं नारद जी आके इनको उपदेश देते हैं। इसलिए ये व्यास जी के भी गुरु जी है, व्यास जी के भी गुरु जी स्वयं नारद जी है। इसलिए देखो यहाँ पे शिक्षा दे रहे हैं, सब जीव अगर बिना गुरु के माध्यम से, बिना गुरु के माध्यम से अगर हम सब के सब अपने मनमानी करने लगेंगे तो उसको भक्ति नहीं कहा जाएगा, जिसको भगवान में गीता में कह रहे हैं कि तस्मात् शास्त्र प्रमाणन्ते कार्य अकार्य अजानत ज्ञात्वा शास्त्र विधानत्तो कर्म कर्तु इह दर्शि। तस्मात् शास्त्र प्रमाणन्ते, शास्त्र में प्रमाण दिया गया है कि हमें कौन से गुरु को ग्रहण करना चाहिए और कौन से गुरु को नहीं ग्रहण करना चाहिए। आजकल जगत में बड़े बड़े गुरु सब बोल रहे हैं मैं गुरु है, लेकिन देखो शास्त्र में विशेष करके सावधान कर रहे हैं, शास्त्र में विशेष करके सावधान कर रहे हैं। बोले गुरुदेव का लक्षण बता रहे हैं कि ब्रह्मणी उपसमाश्रयम्। गुरुदेव का लक्षण है कि गुरुदेव के दो विशेष लक्षण है, एक लक्षण तो बोल रहे हैं एक एक साधारण लक्षण और एक है मोक्ष लक्षण। तो साधारण लक्षण क्या है भैया, बोले समस्त शास्त्र सर्वदा निष्णातम, सारे के सारे शास्त्र में जितने भी शास्त्र है वो सारे के शास्त्र के ज्ञान गुरुदेव को होना चाहिए, सारे के सारे शास्त्र ज्ञान गुरुदेव को होना चाहिए, तभी जाके वो गुरु होंगे। तो बता रहे हैं ये है साधारण लक्षण। तो सारे के सारे शास्त्र में जो पंडित है वही क्या गुरु है, तो इसमें बता रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं है। शिष्य सबसे पहले अपने श्रद्धा के अनुसार गुरुदेव के पास आते हैं और गुरुदेव को कुछ ना कुछ प्रश्न पूछते हैं, गुरुदेव को कुछ प्रश्न पूछते हैं, और प्रश्न पूछकर गुरुदेव अगर उसका ठीक ठीक से अगर उत्तर नहीं दे पाए, उस चीज को अगर खंडन नहीं कर पाए, शिष्य के हृदय के भाव को अगर ठीक से
शिष्य के संदेहों को दूर नहीं कर पाए तो प्रारंभिक लेवल में शिष्य का क्या होगा, ना गुरु के प्रति अश्रद्धा हो जाएगा। इसीलिए बता रहे हैं कि गुरु को सर्वशास्त्र सुनिश्चनातो, सर्वशास्त्र में गुरुदेव को पारंगत होना चाहिए। और दूसरा जो मुख्य लक्षण है, गुरु को भगवान की अनुभूति होना चाहिए। ये भगवान के भक्ति, भगवान के प्रेम, ये सब चीज गुरुदेव को अनुभूति होना चाहिए। भैया यहाँ पे शास्त्र में बता रहे हैं, अगर जैसे तैसे अगर हम गुरु को ग्रहण करेंगे, पद्म पुराण में बता रहे हैं कि जो ग्रहण करने वाला वो हो जाएगा कुत्ता, और जो दीक्षा देने वाला इधर उधर जो दीक्षा दे रहा है वो तो सीधा का सीधा नरक में जाएगा। इसीलिए देखो गुरु का बड़े सुंदर विशेष महिमा बता रहे हैं कि ये गुरु कौन है ना, ये साक्षात भगवान के स्वरूप है। भगवान ये उद्धव जी को कहते हैं कि गुरु मेरा ही स्वरूप है। भगवान उद्धव जी को कहते हैं गुरु मेरे ही स्वरूप है, और गुरु को मेरे स्वरूप मेरे जैसा ही मानना। आचार्य माम बिजानिया नाव मन में कहिर चेत नामर्त्या बुद्धे आश्वे सर्वदेव मयो गुरु। सर्वदेव मयो गुरु, गुरु को मेरे ही स्वरूप मानना। और न मर्त्य बुद्धि आसुए, कभी उनमें मर्त्य बुद्धि नहीं रखना चाहिए कि अरे भाई हम भी तो खाते पीते सोते, गुरु महाराज जी भी खाते पीते सोते, ऐसा कभी भी बुद्धि नहीं रखना चाहिए। और क्योंकि सर्वो देवो मय गुरु, सबसे जो देव सर्व देव में जो श्रेष्ठ है वो है हमारे गुरु पाद पद्म है। देखो कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग गुरु जी से सीख लेते हैं और सीखने के बाद हमें अभिमान आ जाता है, अरे गुरु गुरु से तो हमने सीखा ही नहीं, हमने तो खुद के गुरु स्वयं ही सीख लिए। तो गुरु महाराज की वाणी है, गुरु महाराज जी की एक कथा सुनाते हैं कि एक व्यक्ति एक समय, ध्यान से आप इस बात को समझना, एक व्यक्ति एक समय क्या कर रहा था ना, जैसे ही उसने एक व्यक्ति कोई एक तालाब में जा रहा था, तो तालाब के किनारे उसने एक बगुली को देखा, एक बगुली को चिड़िया को देखा। तो वो क्या कर रहा है, हमारे उड़ीसा में बोलते हैं क्या माछा रंग का, तो वो क्या करता है ना, ऊपर से झट करके उठ करके झट ऊपर से उड़ते उड़ते जैसे ही उसको नजर में आता है कि पानी में मछली दिखाई दे, तो वो मछली को ऐसे उठा करके टप करके उठा के ले जाता है। उसका इतना तीक्ष्ण नजर है। तो बता रहे हैं देखो इसका इतना तीक्ष्ण नजर है कि पानी में से मछली उठा के ले जाता है, तो मछली लेके ऊपर फेंकता है और ऊपर फेंक के उसको मुंह में ऐसे कैच करता है। तो ये व्यक्ति ने भी देखा, अरे ये मछली अगर ऐसे ऊपर फेंक के मछली को पकड़ रहा है तो क्या बढ़िया, ये तो बढ़िया बात है। तो उसने भी क्या किया, रोज रोज एक एक लकड़ी को, सबसे पहले छोटा सा एक लकड़ी को उसने मुंह में चाकू बना करके क्या किया ना, मुंह में रख करके ऊपर फेंका और उसको मुंह में रखने की कोशिश किया। पहले एक दो दिन तो असफल हुआ, फिर धीरे 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 अभ्यास करते करते एक दिन ऐसा आया कि उसी लकड़ी को चाकू बना करके ऊपर फेंक रहा है और फेंकते ही वो मुंह में पकड़ लेता है। तो इसको पूरा दृढ़ विश्वास हो गया कि अब तो निश्चित रूप में जो ओरिजिनल चाकू है उसको फेंक के मैं क्या कर सकता हूँ, दांत में पकड़ सकता हूँ, मुंह में पकड़ सकता हूँ। सचमुच उसने जैसे ही ओरिजिनल चाकू को जैसे ही ऊपर फेंका और फेंक कर जैसे ही पकड़ने की कोशिश किया तो सीधा का सीधा अभ्यास हो गया था, मुंह में पकड़ लिया। अब मुंह में पकड़ लिया तो उसको चारों तरफ वाह वाह करने लगे, चारों तरफ दिखाने लगा, सर्कस जैसे दिखाते ना हम लोग, चारों तरफ ऐसे दिखाने लगा। तो ऐसे दिखा दिखा करके जैसे ही उसने मुंह में फेंकने लगा ऐसे दिखा दिखा करके, तब उसी समय किसी व्यक्ति ने पूछा कि भैया आपके गुरु कौन है, आप ये विद्या किन से सीखे, आपके वास्तव में गुरु कौन है। व्यक्ति बोला मेरे कोई गुरु नहीं है, मैं तो अपने आप सीख गया, मुझे किसने सिखाया भी नहीं, मैं अपने आप सीख गया। तब यहाँ पे बता रहे हैं कि देखो उसने वास्तव में किससे सीखा था, बबुला से सीखा था, उसको देख करके सीखा था। लेकिन वो क्या बोल रहा है, अब सीखने के बाद बोल रहा है कि मेरे तो कोई गुरु नहीं है। तो लोग बड़े आश्चर्य हुए, अच्छा गुरु नहीं है, और एक बार दिखाओ।
तो जैसे ही दोबारा उसने फिर फेंका, तो जैसे ऊपर फेंका तो ऊपर फेंकते फेंकते इस बार इतने अभ्यास करने पर भी पकड़ नहीं पाया, सीधा उसके नाक के ऊपर गिरा और सीधा उसका नाक कट गया। तो बता रहे हैं देखो गुरु तत्व ऐसा एक चीज है, गुरुदेव जिसके ऊपर विशेष करके कृपा करते हैं उसके हृदय में सारे शास्त्र, उसके हृदय में सारे तत्वों को गुरुदेव प्रकाशित कर देते हैं, लेकिन हम बद्ध जीव उस भाव को, उस चीज को हम विशेष करके ग्रहण नहीं कर पाते। हम बद्ध जीव विशेष करके इसको ग्रहण नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि हमें गुरु तत्वों में पूर्ण रूप में गुरुदेव के वाक्य में हमें विश्वास नहीं है। गुरुजी कहते हैं भैया तिलक धारण करो, हम जिस दिन गुरुदेव आते हैं उस दिन तो तिलक बढ़िया सुंदर से नहा धो करके साबुन में तिलक करके आ जाते हैं, बोले गुरुजी राधे राधे। गुरुजी कहते हैं भैया माला जाप करो, भगवान का नाम जाप करो, सबको गुरुजी माला दे के जाते हैं, जैसे गुरुदेव यहाँ से चले जाते हैं माला सीधा अलमीरा में, नहीं तो पता नहीं कहाँ हो जाता है। जब मैसेज देखते हैं ग्रुप में कि अरे गुरुदेव आने वाले हैं तब माला ढूंढने लगते हैं, तिलक ढूंढने लगते हैं, क्योंकि हमें जगत के बाप के ऊपर पूर्ण विश्वास है। कोई डॉक्टर, जैसे हम मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, मानो आपको कोई एक बड़ा बीमारी हो गया है, और बड़ा बीमारी हो गया है तो आप मानो अभी मेडिसिन नहीं खाओ तो सीधा मर जाओगे, सीधा मानो कैंसर हो गया है, भगवान करे ना हो, लेकिन मैं उदाहरण दे रहा हूँ, एक कैंसर हो गया है किसी को, तो उसने डॉक्टर के पास गया। अब डॉक्टर ने बोला भाई देख तुझे अगर बचना है, तुझे अगर बचना है तो कल से ही तुझे ये दवा का खा खा करके ये परहेज के साथ तुम्हें खाना ही पड़ेगा। डॉक्टर ने दवा दे, दवाई दे दिया और परहेज बता दिया, देख ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, हाँ ये चीज नहीं खाना है, तुम्हें बॉयल खाना है, तेल मसाला ये सब तुम्हें छोड़ देना है। तो बताओ वो व्यक्ति कितने दिन के बाद छोड़ेगा? उसी समय छोड़ेगा या बोलेगा कि अरे मरना तो है थोड़ा खा लेता हूँ? कितने दिन के बाद छोड़ेगा? उसी समय छोड़ देगा कि नहीं? उसी समय छोड़ देगा। तो हमें जगत के बात के ऊपर विश्वास है। देखो गुरुदेव साक्षात कौन है? ना ये गुरुदेव साक्षात डॉक्टर है, ये गुरुदेव साक्षात वैद्य है। ये हमें हरि नाम महोषधि, हरि नाम के जो औषधि है इससे भवरोग से दूर होने के हरि नाम दे देते हैं और परहेज बता देते हैं, विधि बता देते हैं, भैया तिलक कंठी धारण करके भगवान को भोग लगाते हुए, और परहेज बता देते हैं प्याज लहसुन मांस मछली अंडा मदिरा ये सब को छोड़ छाड़ करके हमें भगवान का भजन करना चाहिए, लेकिन हम करते नहीं। बोले क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमें गुरुदेव के वचनों पे विश्वास नहीं है, गुरुदेव के वाक्य पे हमें विश्वास नहीं है, इसलिए विश्वास के बिना ही हम कोई चीज जगत में संभव नहीं है। मानो आप यहाँ से हापुड़ से दिल्ली जा रहे हो, कोई कैब बुला लिया, हापुड़ से दिल्ली जा रहे हो कैब बुला लिया, अब आप उसको कैब वाले को तो चुपचाप बुला दिया और अपने लगेज लेके कैब में रख के सीधा अगर आप कैब में बैठ के अगर जाना शुरू कर दोगे तो एक दो घंटे में दिल्ली पहुंच जाओगे आराम से। अगर आप कैब वाले को बोलोगे, अगर आप कैब वाले को बोलोगे, गाड़ी वाले को बोलोगे भाई तुम्हें कितने साल का एक्सपीरियंस है, बताओ तुम कितने बार एक्सीडेंट हो चुके हो, तुम्हारा गाड़ी कितने बार खराब होता है, एक एक बात अगर पूछोगे तो कैब वाला क्या बोलेगा? भाई बैठना है तो बैठ, नहीं तो मैं दूसरा ग्राहक देखता हूँ, तेरा कैंसिल करता हूँ, दूसरा मैं देखता हूँ। तो बिना विश्वास के हम किसी, बिना विश्वास के इस जगत के व्यक्ति को, बिना विश्वास से हम यहाँ से दिल्ली नहीं जा सकते, तो बिना गुरु के विश्वास वाक्य के विश्वास से हम यहाँ से गोलोक कैसे जाएंगे, यहाँ से भगवान के धाम को कैसे जाएंगे? इसलिए हम भगवान के धाम को भी यहाँ से नहीं जा सकते, इसलिए हमें गुरुदेव के वाक्य को मानना चाहिए। बोले गुरु महाराज क्या कहते हैं? बोले गुरु महाराज कहते हैं हमें तिलक धारण करना चाहिए, गुरु महाराज कहते हैं हमें तिलक धारण करना चाहिए। देखो इस जगत से हम इस स्थान से अगर कहीं दूसरे स्थान को जाए, मतलब इस गांव से हम मानो विदेश जा रहे हैं, तो बताओ तो हमारे पास क्या क्या चीज होना चाहिए? पासपोर्ट वीजा और टिकट होना चाहिए। तो देखो इस जगह से नॉर्मली अगर एक जगह पे इस देश से अगर दूसरे देश जा रहे हैं तो हमें नॉर्मली पासपोर्ट वीजा और टिकट के
आवश्यक होता है, तो हम इस धाम से नित्य धाम में जाएंगे, भगवान के धाम में जाएंगे, क्योंकि हम अमृतस्य पुत्र हैं, हम भगवान के पुत्र हैं, हम भगवान के ही संतान हैं, हाँ कि नहीं। तो हम यहाँ से सीधा भगवान के धाम में जाएंगे, भगवान के घर से हम बिछड़ करके इस माया के जगत में हम आके प्रपंच के लीला में सब प्रपंच कर रहे हैं, तो एक न एक दिन सबको इस जगत से वहां जाना ही है। तो बता रहे हैं इस जगह से वहां जाने के लिए भी हमें तीन चीज का आवश्यक है, पासपोर्ट, वीजा और टिकट। बोले पासपोर्ट क्या है? ये तिलक है। पासपोर्ट क्या है? ये तिलक है। देखो बता रहे हैं कि उत्र भुंड धरे नित्यम नृत्य जत्र पुत्र जी के उर्ध भुंड क्यों हम लोग माताएं लोगों को बोलते हैं कि मैया तिलक लगा लो। बोले बाबा जी प्रभु जी हम तो इतना थोड़े से बिंदी लगा लेते हैं, हम तो थोड़े से बिंदी लगा लेते हैं, हम तिलक नहीं लगाते। भैया लोगों को बोलते हैं कि भैया तिलक लगा लो, तो भैया लोग तो बड़े बड़े फैशन करेंगे, फटे हुए जीन्स पहनेंगे और बड़े बड़े फैशन करेंगे, लेकिन तिलक लगाने में उनको लज्जा आता है। तो देखो बता रहे हैं कि बाल हम कैसे बनाते हैं, घोड़े जैसे बाल बनाते हैं। और सनी हम तो जब बूढ़ा बाल जाते हैं ना सफेद कोई काला करते हैं, लेकिन जल्दी काले को कोई सफेद बनाते हैं, और लाल रंग पता नहीं क्या क्या रंग डाल करके कैसे को बनाते हैं, लेकिन उसमें हमें शर्म नहीं लगती है। लेकिन शर्म किसमें लगती है? तिलक लगाने में हमें शर्म लगती है। लोग क्या बोलेंगे हमें, सबसे बड़ा रोग क्या बोलेगा लोग। तो देखो ये तिलक के पीछे के सब साइंटिफिक, आजकल की दुनिया ऐसा हो गया है कि बिना लज्जे के कुछ भी काम नहीं करते, बिना मतलब के हम कुछ भी काम नहीं करते, चाहे कुछ भी हो जाए हम बिना मतलब के नहीं करते। देखो इससे इसका जो भक्ति वाला तात्पर्य है, ऊर्ध भुंड ऊपर की तरफ ले जाने वाले ये चीज है, ये है तिलक, ऊपर की तरफ हमें ले जाएगा। कोई गुंगा व्यक्ति हो, गुंगे व्यक्ति जानते हो, कोई कभी बोला ही नहीं आज तक, वो जिसका जुबान कभी खुला ही नहीं, कोई गुंगा व्यक्ति को बोलोगे, कोई मर गया है तो उसको एक कॉमन सेंस बता रहा हूँ, उसको बोलोगे कि भाई कहाँ गया है, कहाँ गया है, क्या हुआ है, तो क्या दिखाएगा? ऐसे ऊपर करके दिखाएगा कि नहीं, ऊपर तरफ दिखाएगा कि नहीं, कोई नीचे दिखाता है, कोई इधर उधर दिखाता है। हम लोग भी बोलते हैं कि भाई ऊपर चले गए, हम भी बोलते हैं चले गए ऊपर जाने, भगवान जाने, भगवान क्या ऊपर है, हम बोलते हैं कि ना ऊपर चले गए। तो देखो हमारा जो वास्तविक घर है वो सच में ऊपर है, हमारा जो वास्तविक घर है भगवान के धाम, वो है ऊपर नित्य गोलक धाम। इसीलिए सब व्यक्ति कॉमन सेंस रहता है, कोई आस्तिक हो या नास्तिक हो, बोलते हैं कि ऊपर चले गए। तो देखो ये तिलक ऐसा है, मूर्त कुंड ऊपर की तरफ ले जाने वाले, भगवान के धाम की तरफ ले जाने वाले। आपके घर में कोई पंडित बुलाए हो, पंडित आते हैं कि नहीं पूजा पाठ करने के लिए? आते हैं, किसी के शादी ब्याह करने के लिए पंडित आते हैं कि नहीं? तो देखना सबसे पहले पंडित क्या करते हैं, आके ये तिलक लगवाते हैं। सबसे पहले तिलक लगाएंगे, हाथ में कलावा बांधेंगे, तभी जाके सारे शुभ कार्य को शुरू करेंगे। और बता रहे हैं हम लोग, जैसे आप लोग महाभारत रामायण आदि में देखे होंगे कि कोई भी अगर युद्ध करने के लिए निकल रहे हैं तो उनके घर के माताएं उनको क्या करते हैं, तिलक लगाते हैं, उसको बोलते हैं विजय तिलक, जत्र दृश्यते विजय भवे। उस तिलक को जो जो लोग देखते हैं, जिस जिस स्थान पे लगा कर जाते हैं, उनका मंगल होता है। हम आपको कुछ साइंटिफिक रीजन बता देते हैं कि ये तिलक हमें वास्तव में क्यों लगाना चाहिए। जो लोग थोड़े पढ़े लिखे हैं वो तो बढ़िया से समझ जाएंगे, आप समझने की कोशिश करना। हमारे भारत के एक सबसे बड़ा एक पागल खाना, एक पागल हॉस्पिटल है रांची में, तो उसमें रांची के एक डॉक्टर है जिसका नाम है डॉक्टर रति रंजन सेठी, क्योंकि मैं उसको दिखाया जाता है। तो उसने क्या किया, उस डॉक्टर ने क्या किया कि कुछ कारण से साउथ घूमने के लिए गया था। अब जैसे ही घूमा तो देखा सबके मुंह पे इतना बड़ा बड़ा सुंदर सुंदर तिलक है, तो उसने रिसर्च किए, उन्होंने रिसर्च करके एक चीज को दिखा कि भाई ये पंडित लोग, ये वैष्णव लोग ये तिलक को क्यों लगाते हैं, इसके पीछे क्या कारण है।
ये भारत के संस्कृति है जो हम धीरे धीरे पाश्चात्य सभ्यता को अपना करके हम भूल रहे हैं। तो बता रहे हैं कि ये तिलक को क्यों लगाते हैं, तो उन्होंने रिसर्च करके देखा कि यहाँ पे एक आज्ञा चक्र है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डॉक्यूमेंट। इस स्थान पे तिलक लगाने से हर समय जीव को अत्यंत सुख या मस्तिष्क ठंडा रहता है। तो उसने रिसर्च करके देख करके बहुत सारे तिलक को लाके अपने लेबोरेटरी में रखा। और रांची में सच्ची घटना है, आज की डेट की बात है, रांची में जितने भी पागल का जो इलाज होता है 2 से 3 घंटे तक उनको क्या करता है, माथे में तिलक लगा करके सोने के लिए बोला जाता है। 2 से 3 घंटे तक उनके माथे में तिलक लगाने के लिए बोला जाता है, क्योंकि और ऐसे करते हुए बहुत सारे लोग ठीक हो रहे हैं, ऐसे करते हुए बहुत सारे लोग ठीक हो रहे हैं। एक घटना आया था, कोई एक इस्कॉन के भक्त कनाडा में, कोई एक इस्कॉन के भक्त था कनाडा में, तो उसने तिलक लगा करके रास्ते में कार ड्राइव करते हुए जा रहा था, तो कैसे कैसे करके उसको एक्सीडेंट हो गया। तो उसको एक्सीडेंट हो गया तो कनाडा का एक टॉप मोस्ट हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर सोहम, नेट में देखना डॉक्टर सोहम, तो उनके पास उनके मेडिकल में लेके गए उसको, एम्बुलेंस आए, एम्बुलेंस में लेके गए। तो उसने तिलक लगाया हुआ था, पूरा शरीर में तिलक लगाया हुआ था, पूरा शरीर में तिलक लगा करके, जैसे हम द्वादश तिलक करते हैं ना, गुरु जी ने दीक्षा देते समय बोलते हैं कि द्वादश तिलक देते हैं, और द्वादश तिलक नहीं, ये पूरा रक्षा कवच है। तो उनका कैसे तैसे करके एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट से पूरा उनका हार्ट में इतना आघात हुआ कि मानो कि बंदा मर जाएगा। तो डॉक्टर सोहम के पास जैसे ही उनको लेके गए कि भाई देखो इनके हार्ट बीट पता नहीं क्या हुआ, ये तो मुंह से खून निकल रहा है और हार्ट में पूरा इनका बहुत तेज से स्टेरिंग के ऊपर इनका हार्ट, अभी 1-2 महीने की बात है, ये हार्ट में इनका लग गया है देखो। तो जैसे ही डॉक्टर सोहम ने उनको जैसे ही ऑपरेशन करने के लिए देखा कि हार्ट पूरा का पूरा सही है, पूरा का पूरा ठीक है, तो उन्होंने वहां पे बता रहे हैं कि उन्होंने एक इंजेक्शन दिया, फिलो है ना, तो एक इंजेक्शन देते हैं, वो इंजेक्शन से क्या होता है ना, जिससे मैं हार्ट को ऐसे तो ऐसा तो नहीं है कि पूरा खोल दोगे, तो उसको इंजेक्शन देके उसको बेहोश करना पड़ता है। तो बेहोश करके जैसे ही हार्ट को खोल करके देखा, तो खोल करके देख रहे हैं कि क्या उनका पूरा सही है, उनका पूरा का पूरा सही है। और उनके साथ 1-2 लोग और थे जिनके हार्ट में प्रेशर पड़ने के बाद वो सेम कंडीशन है, और बाकी लोग जो तिलक नहीं लगाए थे वो मर गए, वो मर गए, उनको बचा नहीं पाए। तो डॉक्टर सोहम ने रिसर्च कर रहे हैं, एक उनके क्लिप में वो बता रहे थे कि मैंने जीवन में पहले बार देखा, 60 साल के उम्र में मैंने जीवन में पहले बार देखा कि उन्होंने पूछते हैं कि भाई तुम सबको ये लोग मर गए तुम क्यों बच गए, तो बोलता है कि मैंने मेरे गुरु पाद पद्म ने मुझे ये तिलक दिया था, मुझे ये तिलक दिया था, तो मैंने तिलक लगा करके गया था, तो मुझे मानो कि जैसे एक्सीडेंट हो रहा है, तो गुरुदेव साक्षात नृसिंहदेव आके मुझे मानो गले लगा रहे हैं, ऐसे दिखाई दिया, साक्षात रक्षा कर रहे हैं ऐसे दिखाई दिया। तो वो बता रहे हैं, अब देखो विदेशी लोग उनको इतना भक्ति भक्ति में विश्वास नहीं होता, विदेशी लोग को आप अगर कुछ बोलोगे ना, वो डायरेक्ट झट करके विश्वास नहीं करेंगे, बोलेंगे हम थोड़ा देखेंगे, रिसर्च करेंगे, पढ़ेंगे। तो उन्होंने वास्तव में तिलक के ऊपर रिसर्च किया, रिसर्च करके जैसे ही वास्तव में उन्होंने रिसर्च किया तो देखा इसमें हमारे पूरा का पूरा, अगर इसको अगर नित्य प्रतिदिन अगर छाती में इस जगह पे इस स्थान पे अगर तिलक लगाओगे तो विशेष करके उसको कोई कैरियो बीमारी नहीं होगा। उन्होंने ऐसे रिसर्च करके एक क्लिप में बताते हैं, उनके प्रत्यक्ष अनुभूति बता रहे हैं। और अभी अभी नोएडा की एक घटना और बता देता हूँ कि हमारे ऋषि प्रभु तिलक करके और 2 भक्त के साथ कभी बाइक पे जा रहे थे, तो एक्सीडेंट हुआ, तो ऋषि प्रभु तिलक किए हुए थे और बाकी 2 भक्त तिलक नहीं किए थे, बाकी 2 भक्त तिलक नहीं किए हुए थे, शायद आप लोगों में से कोई उनको जानते होंगे नोएडा मठ के, तो बाकी 2 भक्त तिलक नहीं हुए थे, एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट होने में ऋषि प्रभु को एक खरोच भी नहीं आया, और बाकी जो 2 लोग थे उनको ब्रेन में हेमरेज हुआ, किसी का पैर में ये क्या बैग टूट गया, चोट आ गया, फ्रैक्चर आ गया। तो देखो ये तिलक के भैया कितना महिमा है, साइंटिस्ट लोग इस तिलक के महिमा को बता रहे हैं कि यहाँ पे एक
न्यूरो में एक साइंटिस्ट ने देखा कि सारे इस्कॉन के भक्त जा रहे थे तो सबके सब तिलक किए हुए थे, तो उसने देखा कि भाई ये सबके सब ये माथे में ये क्या तिलक विलक बना रखे हैं, इसका पीछे कोई रीजन है क्या? तो उन्होंने जैसे ही उसके पीछे कुछ रीजन देखा, उनको रिसर्च किया, तो रिसर्च करने के बाद पता चला कि ये तिलक जो है वो हमारे शरीर में जो बहुत सारे के निकोटीन और बहुत सारे के जो गंदी बैक्टीरिया को दूर भगाता है, ये इतना तिलक का महिमा है। इसलिए हमें डॉक्टर कुछ बोल देगा, हम बड़े बड़े फैशनर बनना चाहते हैं लेकिन हम तिलक धारण करना नहीं चाहते। अब देखो तुलसी की महिमा थोड़ा सुन लो, तुलसी हमें क्यों पहनना चाहिए, ये तुलसी हमें क्यों पहनना चाहिए? शास्त्र में बताया गया है, गोपियां कह रहे हैं कि तच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। ये तुलसी क्या है ना, कल्याणी, कल्याण प्रदान करने वाले हैं ये तुलसी। आप बड़े बड़े सोने चांदी के कोहिनूर हीरा जवाहरात बड़े बड़े सुंदर करके अलंकृत कर लो, मरने के समय अगर उसको धारण करके मर जाओगे तो कोई गारंटी है क्या भक्ति मिलेगा? लेकिन इतना गारंटी ये है कि मरने के समय में अगर गले में एक भी दाना अगर तुलसी होगा, एक भी दाना अगर तुलसी होगा तो ये गारंटी है कि नरक नहीं जाओगे, ये गारंटी है कि भगवान के धाम को जाओगे, ये पूरा पक्का गारंटी है। तो देखो हमें तुलसी क्यों धारण करना चाहिए हा? तो जिस समय कोरोना आया था, अभी कोरोना आया था ना, तो कोरोना का सबसे पहले मेडिसिन किसने निकाला, किसने निकाला? रामदेव बाबा ने सबसे पहले कोरोना का मेडिसिन निकाला। तो कोरोना का मेडिसिन जैसे ही निकाला तो उसने एक कोरोनिल मेडिसिन निकाला, आप देख लेना उसमें 80% तुलसी है, 80% तुलसी है, तुलसी से बना हुआ है। और तो और हमारे हिमाचल पे एक गांव में न्यूज में आ रहा था, हिमाचल के एक गांव में सारे जगत में कोरोना का कैसे तहस नहस करके कैसे लोग इधर उधर भटक रहे थे, कैसे घर घर में छुप छुप के रह रहे थे, कोरोना का कैसा स्थिति था आप लोग सब भले भांति जानते हो। लेकिन एक जगह पे हिमाचल पे एक गांव में बड़े शांति से वातावरण शांत रूप में उन्होंने रहते थे। तो जैसे सर्वे होता है कि कौन से जगह पे कितना कोरोना हुआ, किसको किसको कितना कोरोना हुआ इंडिया में, सर्वे करके न्यूज में छोड़ते हैं, तो उन्होंने ऑल इंडिया में सर्वे कर रहे थे तो हिमाचल पहुंचे, और हिमाचल में पहुंचने के बाद उनको पता चला कि एक गांव में किसी भी व्यक्ति को कोरोना नहीं हुआ। 500 से ऊपर घर है तो मानो उस गांव का करीब 2-3 हजार का पॉपुलेशन होगा, तो उसमें एक भी व्यक्ति को कोरोना नहीं हुआ, ना बुखार हुआ ना कुछ भी नहीं हुआ। तो वहां पे मीडिया पहुंच गए, आप लोग देखना मोबाइल में आता है, वहां पे मीडिया पहुंच गए और मीडिया पहुंच करके वहां पे जाके जैसे रिसर्च करते हैं भाई कोरोना यहाँ पे हुआ क्यों नहीं, तो बता रहे हैं कि देखो उस गांव में एक एक घर में 20-30 तुलसी पौधा था, 20 से लेकर 30 तुलसी पौधा था, और नित्य तुलसी का सेवन करते थे, नित्य गौ माता का सेवन करते थे, इसलिए उनके गांव में कोरोना गया ही नहीं, उनके गांव में कोरोना गया ही नहीं। आप मेडिसिन में चले जाओ किसी भी स्टोर में, एक तुलसी पावर का एक मेडिसिन आता है, उसमें देखना 200 बीमारी का पूरा का पूरा उसमें इलाज बताया गया है, 200 बीमारी ठीक होते, कार्डियो प्रॉब्लम, न्यूरो प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, चाहे कितने कितने ब्रेन हेमरेज, सारे बीमारी का वहां पे तुलसी से कैसे उसको ठीक हो रहा है पूरा उसमें एक कॉपी में पूरा उसके अंदर एक पेपर में लिखा गया है। इसलिए जो तुलसी है, देखो साउथ अफ्रीका के एक जगह में कुछ दिन पहले किसी एक बच्चे को सांप ने काट लिया। अब साउथ अफ्रीका के मर्थन ऐसा कुछ नाम है, तो उस एक गांव में क्या हुआ, सांप तो ऐसे घूमते रहते हैं हाँ, बच्चे खेलते रहते हैं, तो किसी को एक व्यक्ति को सांप ने काट लिया। तो सांप ने जैसे ही काट लिया, वो लोग तो उनको इतना पता नहीं है, तो वो लोग भाग भाग करके उसके जो पैर के पास क्या किए, पैर के पास उसको जोर करके बांधे, और बांध करके वहां पे कुछ तुलसी पत्ता था, तो पत्ते को उन्होंने पीस पीस के उसी में कुछ चीज डाल के उसके ऊपर लगा दिए, तो सारे के सारे जहर निकाल दिया।
तो अभी करीब 6 महीने से इसके ऊपर रिसर्च हो रहा है नासा में कि ये पॉइजन खाने वाले को क्या सच में तुलसी रक्षा कर सकते हैं। नासा के साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं और नासा के साइंटिस्ट रिसर्च करने के लिए इंडिया में आए और इंडिया से करीब 2000 से ज्यादा तुलसी का बीज और करीब 1000 से ऊपर पेड़ एक फ्लाइट में बुक करके वहां पे ले गए नासा में, क्यों उसके ऊपर रिसर्च करें कि ये तुलसी का पेड़ क्या है। देखो हमारे ऋषि मुनि लोग ने जो हमें जो शिक्षा दे के गए हैं वो साधारण नहीं है। हम ऐसे जैसे वृक्ष को पूजा नहीं करते, हम ऐसे जैसे वृक्ष को हम पूजा नहीं करते, ये साक्षात कृष्ण के कृपा पात्री है, ये साक्षात कृष्ण भक्ति प्रदायिनी है। और देखो हमारे सारे के सारे बीमार के जो जड़ के बीमार है, हमारे इस गर्दन में एक फिरोमिन बोल के एक नस है, देखना कभी कभी इस नस अगर जोर से दबाया दिया जाता है तो इंसान मर जाता है। हैदराबाद का एक सच्ची घटना है कि हैदराबाद में सबसे बड़ी हॉस्पिटल है एमरी हॉस्पिटल। तो एमरी हॉस्पिटल में कोई एक इलेक्ट्रीमैन काम कर रहा था और वो वैष्णव था, गले में तुलसी दे रखा था। तो इस पॉइंट पे जो इस भैन है उसी भैन में अगर लग जाए ना, थोड़े से भी लग जाए तो गंदा का राम नाम सत्य हो जाएगा। तो वो इलेक्ट्रिक काम करते करते उसके ऊपर कोई बड़ा सा बाहरी सा चीज गिर गया। अभी रिसेंटली की बात है, आपको मैं बड़ा सच्ची घटना बता रहा। गिर गया, जैसे उसने गिर गया तो उसने तुलसी पहन रखा था यहाँ पे इस स्थान पे, तो तुलसी पहन रखा था तो जैसे गिरने के बाद उसको सीधा से सीधा मेडिकल ही था, मेडिकल में ही काम कर रहा था हॉस्पिटल में, तो उसको सीधा आईसीयू में लेकर के बोले कि भाई ये तो मर जाएगा क्योंकि इसके भैन में गिर गया। तो वहां पे डॉक्टर सोहित कुमार सिंह पंजाब के डॉक्टर है, वहां पे सबसे बढ़िया डॉक्टर है ये इस गले के मामले में। तो उन्होंने देखा कि जिस भैन पे थोड़ा सा लगने पर भी व्यक्ति बच नहीं सकता, इतने बड़े बाहरी गिरने के बाद भी वो जिंदा था। तो बाद में देखा गया कि उन्होंने रिसर्च करके क्लियर में बताया कि ये व्यक्ति जो तुलसी पहन रखा है, ये तुलसी से क्या होता है, इसे पॉजिटिव एनर्जी आता है। इसे पॉजिटिव एनर्जी क्या करता है हमारे शरीर में, इस भैन जितने सारे भैन है हमारे बॉडी के पूरा का पूरा भैन ब्रेन से कनेक्टेड है और हम तुलसी यहाँ पहन रखे हैं। तो वो बता रहे हैं कि सारे के सारे भैन को कंट्रोल करते हैं ये तुलसी, इतना इसका साइंटिफिक रीजन है, सारे के सारे भैन को ये कंट्रोल करते हैं। लेकिन हम जगत के सारे बात तो मानते हैं, जगत के सारे चीज को मानते हैं, हम बड़े बड़े हीरो बनना चाहते हैं। हाँ, हम बड़े बड़े हीरो को देख के अरे मेरा भी हेयर स्टाइल ऐसे होना चाहिए, मैं इसका फैन हूँ। श्रीशांत का भाई क्या हुआ, उसका सुसाइड कर दिया, उसके करीब कितने करोड़ फैन थे, एक भी व्यक्ति नहीं गया। हम बोलते हैं, हम इधर उधर के उल्टा पुल्टा गाना सुनते हैं और गाना सुनते बोलते हैं अरे ये गाना तो बढ़िया है, ये एंटरटेनमेंट है, ये क्या आप हरे कृष्णा बोलते रहते हो। अभी एक महीने पहले पंजाब का आप लोग जानते होंगे एक सिंगर मर गया, कौन जानते हो, सिद्धे वाला। उसका कई करोड़ का, एक दो करोड़ नहीं, कई करोड़ का उसका फैन थे, जो मर गया एक भी व्यक्ति उसके पास नहीं गया, एक भी व्यक्ति उसके पास नहीं गया। आप लोग भले बातें जानते होंगे इस चीज को, बताओ हम उनके फॉलो करते हैं, ऐसे व्यक्ति को हम फॉलो करते हैं। बहुत सारे लोग शाहरुख खान आदि को फॉलो करते हैं, हाँ बोलते हैं मैं इनका फैन हूँ। उसका बेटा ने क्या किया, कई सारे का करोड़ों का फैन थे उसको, और उसके तरह जो हेयर स्टाइल है ना, बहुत सारे हमारे बच्चे गुरुजी अभी बता रहे थे ना कि जैसे सर में काला नीला पीला कर देते हो, क्या क्या कर देते हो, तो उसका स्वभाव है, उसने ही सबसे पहले सर में ये कलर करना शुरुआत करवाया था। और जब स्कूल जाता था तो उसको शाहरुख खान ने, रियल फैक्ट बात है कि मेरे बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, मैं इतना बड़ा स्टार हूँ, पहचाने के कैसे दुर्गति देखो, उसके बाल को कलर कर दिया था, उसने बाल को कलर कर लिया था कि पहचान में आएगी ये इसका बेटा है। तो उसका क्या हुआ, अभी
हम लोग जाते हैं बड़े बड़े बॉडी बिल्डर, बड़े बड़े जिम करने के लिए हम लोग जाते हैं, यहाँ पे सामने है, हम बोलते हैं थोड़ा बॉडी बिल्डिंग बना लेंगे तब क्या, भक्ति भक्ति कुछ नहीं। देखो कोरोना के सबसे पहले लॉकडाउन हुआ था मार्च 21 या 19 ऐसे कुछ, तो उसी समय मार्च 3 तारीख को देखना आप न्यूज में 2019 में ग्रेट काली, जानते हो हमारे भारत के सबसे बड़े बॉडी बिल्डर ग्रेट काली, नाम सुने हो ना, बड़ा उसका शरीर है, हाँ 8 फुट कितने इंच का उसका शरीर है, पूरा बड़ा शरीर है उसका। तो उसने सोचा कि भाई मैं तो करते करते अब थोड़ा धीरे धीरे बूढ़ा हो रहा हूँ, 6 व्यक्ति को उसने ट्रेनर किया, जिम सिखाया, 6 व्यक्ति को सिखाया और 6 के 6 सीखने में लग गया, 30 से 40 साल उनको जिम करते में लग गया। और जैसे ही उनको इंटरनेशनल गए सारे तरफ से, उन्होंने ओलंपिक में भी गए और जा करके जैसे इंडिया में आ रहे थे अवार्ड लेने के लिए, अवार्ड लेते हैं ना जैसे, तो उनको सम्मानित करने के लिए 6 के 6 जा रहे थे एक गाड़ी में, और जो फंक्शन था वो पुणे के एक रंजन गांव बोल के एक गांव में था, एक जगह पे था, मैं आपको पूरा प्रॉपर एड्रेस भी बता रहा हूँ। तो वो लोग मुंबई से निकल करके जैसे ही मंचर होते हुए रंजन गांव की तरफ जा रहे थे, तो उसी पहुंचने के 1 किलोमीटर हुआ नहीं, मतलब आने से पहले ही गाड़ी ऐसे एक्सीडेंट हो गए, 6 के 6 हुएंगे नामो निशान, 6 के 6 मर गए। अब बताओ हम लोग बड़े बड़े स्टार बनना चाहते हैं, माताएं बड़े बड़े हीरोइंस को देख के बोलते हैं अरे मैं ऐसे बनता हूँ, ऐसे बनना चाहता हूँ मैं। बहुत सारे हीरोइंस का नाम नहीं लूंगा, आप लोग जानते होंगे कैसा कैसा परिस्थिति है। बाल में हम भागवत में बताया गया है माताएं क्या करते हैं, बाल में कलर कर देते हैं, हीरोइंस को देख के कलर कर देते हैं। भागवत में एक जगह पे वर्णन कर रहे हैं दशम स्कंध पे कि पूतना का बाल कलर किया हुआ होता, शायद मेहंदी लगाया था या कलर किया। हम ऐसे आचरण करना चाहते हैं क्या, बताओ हम ऐसे आचरण करना चाहते हैं क्या? बोले नहीं, हमको कितने हमारे गुरु वर्ग ने कितने सुंदर सुंदर चीज, कितने बढ़िया बढ़िया चीज बताया ना, भगवान के भजन करो, भगवान के नाम करो। और एक चीज है, हमें प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए, हमें प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए। यहाँ पे कितने माताएं हैं भैया लोग हैं जो प्याज लहसुन खाते हो, हाथ उठाओ, खाते हो जो जो लोग खाते हो यहाँ पर, कोई खाते कोई नहीं खाते, आप अपने लिए बड़े ताली बजाए, आप लोग बड़े सौभाग्यवान हो, आप भी सौभाग्यवान और कोई नहीं है, आप लोग बड़े सौभाग्यवान हो। देखो जो नहीं खाते, खाते वाले खाने वाले नहीं। देखो जो लोग तो नहीं खाते उनके लिए तो जय हो, और जो लोग खाते आज के बाद संकल्प कर लो, गुरु पूर्णमी है, गुरुदेव आए हैं, संकल्प कर लो कि इस चीज को छोड़ दोगे। देखो इसका शास्त्रीय उत्पत्ति मैं आपको बता देता हूँ कि शास्त्र में बताया गया है कि जिस समय ये भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके अमृत दे रहे थे, हमने वामन देव की कथा सुने हैं कि नहीं, भागवत हुआ था सब लोग सुने होंगे, लेकिन एक कान से निकाल करके सुन के एक कान से हमने निकाल दिया, हमने अपने जीवन में उसको ठीक से कुछ एक अंश को भी हमने ग्रहण नहीं कर पाए। देखो थोड़ा ध्यान देके इस चीज को समझो, जिस समय भगवान मोहिनी रूप धारण करके अमृत कलश लेके प्रकट हो गए, और प्रकट होके देवता को तो अमृत पिला दिया और असुरों को मदिरा पिला दिया। अब इतने में राहु नाम का एक दैत्य ने वहां पे जाके, अरे भाई सारे देवता तो शराब के पी पी के क्या हो रहे हैं, माताल हो रहे हैं, तो उसने देवता के रूप धारण करके सूर्य और चंद्र के बीच में बैठ गए। तो भगवान तो सर्वंतर्यामी है, सूर्य चंद्र साक्षात देवता है, और ये असुर चाहे रूप बना ले है तो असुर, देवता का रूप धारण कर ले है तो असुर ही, तो सूर्य और चंद्र पहचान लिया, भगवान भी जान गए, तो भगवान ने उसको गले को काट दिया। बोलो गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल हो गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि हो गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय हो गोविंद
समय राहु का सर और धर को भगवान ने अलग कर दिया, उसने अमृत का कुछ बूंद पी लिया था, इसलिए वो अमर हो गया, मरा नहीं। तो बता रहे उसी समय उसका जो रक्त जहां पे गिरा था वो है प्याज, और उसी समय उसका हड्डी जहां पे गिर गया था वो है लहसुन। कितना खराब चीज है। कहीं कहीं बताते हैं, किसी किसी कल्प में, किसी किसी पुराण में बताते हैं कि पहले गौ माता का बड़े सेवा करते थे, गायों का बड़े सेवा करते थे, लेकिन आजकल आजकल का सब परिस्थिति उल्टा हो गया है भाई, सब परिस्थिति उल्टा हो गया है। पहले गौ माता घर में रहते थे, कुत्ते बाहर घूमते थे, आजकल कुत्ते घर में रहने लगे हैं और गौ माता बाहर घूमते थे। आजकल सब परिस्थिति उल्टा हो गया है। इसलिए देखो, पहले गौ माता हमारे सनातन धर्म में ही गाय में 33 कोटि देवा देवी है, इसलिए गायों का बड़ा सेवा किया करते थे। तो जिस समय गाय का सेवा करते थे, मानो कोई गाय अगर वृद्ध हो गए, जराजीर्ण हो गए, तो उसके मांस को काट करके उसको पुनः रूप में यज्ञ में आहुति देके पुनः क्या करते थे, उसको पूरा का पूरा सुस्त सबल गाय बना देते थे। अब इतने में ऋषि मुनि तो ये करते थे, लेकिन उनके एक पत्नी थे जो जिनके पत्नी को बड़ा आसक्ति था, तो उन्होंने क्या किया, गाय का एक थोड़ा सा मांस को छुपा के रख लिए। अब जैसे ही छुपा के रख लिए, गाय के पूर्ण का पूर्ण आहुति दिया गया और बढ़िया सुंदर गाय प्रकट हो गया। लेकिन ऋषि मुनि ने देखा कि गाय के एक स्थान पे कुछ खेत है, कुछ खरोच है। तो ऋषि मुनि बोला, तो ऋषि मुनि ने बोले, हम तो भाई हवन तो बढ़िया करके किए, हमारा हवन में तो कोई त्रुटि नहीं है, फिर भी इनका गाय का ऐसा स्थिति क्यों हुआ। तब उन्होंने जैसे ही ध्यान पे देखे कि उनके पत्नी ने क्या किया, वो मांस को छुपा रखे हैं, तब उसी समय उस मांस को जहां पर के गुस्सा होके फेंके थे, वो मांस जहां पे गिरा था वो है प्याज, और वो हड्डी जहां पे गिरा था वो है लहसुन। इसलिए देखो कितना खराब चीज है, ये साक्षात गो मांस है। देखो ये चीज हमारे भारत में कैसे आया, इस बात को समझो, हम लोग इसको कैसे खाने लगे, इस बात को। हरे कृष्ण, सबको पानी पिला दो, सबको पानी पिला दो, बड़ा बड़ा पानी पिला, एक भजन गा ले, बोले नंद जुक लाला अलबेला मेरी मटकी में मार गयो डेला, मेरो नंद जुक लाला अलबेला मेरी मटकी में मार गयो डेला, मेरे नंद जुक लाला अलबेला मेरी मटकी में मार गयो डेला, देखो ये जो भजन है, आप लोग बरसाना गए हो, कौन कौन बरसाना गए, हाथ कर दो। वहां पर जब बरसाना जाओगे, वहां पर गौवर वन की परिक्रमा है। ये गौवर वन की परिक्रमा में एक स्थान आता है जिसका नाम साकिरी खोर। क्या नाम आती है, साकिरी खोर मतलब क्या, साकिरी मतलब होता है पतली, और खोर मतलब होता है रास्ता। कभी अगर गए होंगे, देखना वहां पर ऐसे एक रास्ता बना हुआ, दोनों पहाड़ को बीच में, एक व्यक्ति के सिवाय वहां दो व्यक्ति जा ही नहीं सकते। बोले ऐसे क्यों, बोले प्रेम गली अति साकिरी ताहे न दो समाय। जो प्रेम की जो मार्ग है, भक्ति का मार्ग है भैया, वहां पर दो व्यक्ति नहीं जा सकते, एक व्यक्ति जा सकता है। मतलब क्या,
एक मन से भगवान को पुकारना पड़ेगा, एक मन से। एक बार क्या हुआ, कृष्ण सखाओं को साथ में गैया चराने गए थे और सखा को भूख लग गई, बोले कन्हैया कुछ खाने पीने का व्यवस्था कर दे, बोले आ जाओ मेरे साथ में, चिंता क्यों कर रहे हो। एक गोपी दूध दही मक्खन लेकर जा रही थी और कृष्ण पहाड़ ऊपर चढ़ गए और उठाया पत्थर और मारे मटकी में, मटके में मारते मटकी तो फूट गई और वो गोपी दूध दही से पूरा पूरा स्नान कर लिया और अकेले गोपी और बहुत सारी सखाएं लूट पाट करके सब दही मक्खन मिश्री खा लिया। खा लिया तो इतने में जो सखी थी राधा रानी से शिकायत की, बोले ऐसे ऐसे कृष्ण आकर के सारे दूध दही को खा लिए, इसलिए तभी ये भजन गाते हैं, बोले मेरे नंद जुप लाला अलबेला मेरी मटकी में मारे अलबेला
श्री कृष्ण कन्हैया लाल की आज के आनंद की। हाँ देखो, आज हम लोग बड़े भाग्यवान हैं। आज हम सबके सब यहाँ पर श्री गुरु पूर्णिमा को उपलब्ध करते हुए यहाँ पर पहुंचे हैं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, कहते ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जी, गुरु कृष्णा प्रसाद पाए भक्ति लता जी। एक व्यक्ति कब श्री गुरु जी को साथ में एक व्यक्ति को साक्षात्कार होता है। भगवान कहते हैं, कहते हम अनादि काल से भगवान को भूल करके ये संसार में भट गए हैं। कभी राजा, कभी प्रजा, कभी सुखी, कभी दुखी, कभी नरक में, कभी स्वर्ग में, ऐसे ऐसे हम 84 लाख जन्म में हम भटक रहे हैं। ऐसे भटकते भटकते हमको जान और अनजान में कहीं ना कहीं, जैसे गुरु वैष्णव के लिए, भगवान के लिए जो थोड़ी सी अच्छा काम करते हैं, हमारे कोई अच्छी संस्कार बनती है, उसी अच्छी संस्कार से जब ये संसार से पार होने का समय हो जाता है और ये दुख कष्ट संसार का भोग करना हमें नहीं पड़ेगा। अभी समय हो गया सारे दुख कष्ट से मुक्त होकर के हम अभी ठाकुर जी को पास में चले जाएं। तब भगवान खुद कहते हैं, तब भी ये संतों का संग होता है। इसलिए गोस्वामी जी कहते ना, बिनु सत्संग विवेक ना होई और राम कृपा बिनु सुलभ ना होई। आज मोहि भाव भरसा हनुमंता और बिनु हरि कृपा बिना मिले नहीं संता। जब जीवन में संत मिल जाए मतलब है हमारी दुख कष्ट खत्म हो गया, दुख कष्ट हमारी खत्म हो गई हैं। इसलिए आज हम लोगों का बड़े भाग्य है, आज हम सबके सब यहाँ पर के घर घर का मालिक का नाम क्या है, अरे इधर बात कर, दोनों पति पत्नी बात में मस्त है, कथा नहीं है। क्या नाम, पति का नाम क्या, पत्नी का नाम, अरे घर का मालिक क्या है, श्री उमेश शर्मा, हाँ श्री उमेश प्रभु जी, और घर वाली श्रीमती अनिता शर्मा, अनिता, हाँ। आज इन्होंने अपना घर में गुरु पूर्णिमा को उपलक्ष्य में नया घर बनाया। जब हम लोग आए घर में प्रवेश करने से पहले भी यहीं पर रुके, फिर आज गुरु पूर्णिमा हो रही है, इसलिए बोले नहीं हमारी घर में भी हो, हमारी घर में ही हमारी घर में हो। जिस घर में हरि का कीर्तन, हरि का नाम हो, भगवान की कथा हो, कहते वो घर घर नहीं है, वो घर भगवान का धाम, वो घर बोला वृंदावन बन जाता है, भगवान की धाम बन जाती है। इसलिए उन्होंने अपना घर में अपना, देखो उनका जो बहू है, बेटे हैं, कितने अच्छे हैं, कितना सेवा कर, भाग भाग करके सबका सेवा कर रहे हैं। इसलिए ऐसे सब घर में बहू बननी चाहिए, बेटे बनने चाहिए, जो कि भगवान की भक्ति में, भजन में मदद करे। आज जिस घर में ऐसे बहू बेटे सब भक्ति करे ना, राम जैसे बेटा हो, बहू जैसे सीता जैसे बहू हो, और लव कुश जैसे बेटा हो, वही अयोध्या है, वही अयोध्या। अयोध्या मतलब क्या है, जहाँ पर कभी युद्ध नहीं होता है। अवध है, अवध मतलब जहाँ पर कहीं कोई वध नहीं होती, कोई मरते नहीं है। इसलिए आज हम इनके घर में सबके सब ये गुरु पूर्णिमा की उपलक्ष्य में हम सबके सब यहाँ पर उपस्थित हुए। अभी प्रश्न होता है, हम क्यों ये गुरु पूजा करने के लिए आते हैं, गुरु पूजा का मतलब क्या है, गुरु पूजा का मतलब क्या, थोड़ी फूल ले आओ, थोड़ी प्रणाम दे करके जाओ, क्या यही है? बोले ये तो होनी चाहिए, लेकिन गुरु पूजा का तात्पर्य है गुरु जी का जो शिक्षा है,
उसको अपना जीवन में उतारना चाहिए। गुरुदेव हमें जो उपदेश देते हैं, ये उपदेश को अपना जीवन में हमें उतारनी चाहिए, यही वास्तव रूप में गुरु पूजा है। इसलिए अभी गुरुदेव की जो इच्छा पूरी करनी चाहिए। अभी प्रश्न है भैया, गुरु जी की क्या इच्छा है? ए, बात मत करो, पीछे चुपचाप बैठ जा, तुम ज्यादा बोलती हो, बैठ जा। इसलिए कहते गुरु जी की इच्छा को पूरी करनी चाहिए, यही गुरु पूजा। अभी प्रश्न होता है फिर गुरु जी हमसे क्या चाहते हैं, गुरु जी की क्या भावना है, भले गुरु जी है कौन, गुरु जी आए कहां से, ये जगत में आते हैं क्यों। इसलिए हमारे संत लोग कहते हैं भले संसार दावा नळली ढलो को त्राणाय कहते गुरु जी वो है कि जगत में गुरु आते हैं क्यों, भले कारण है। कहते जो गुरुदेव भगवान की जो कृपा है उनका एक मूर्ति रूप लेकर के आए, भले क्यों आए, भले संसार में हम दुखी है, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई बेटा से दुखी, कोई बहू से दुखी, कोई सास से दुखी, कोई ननद से दुखी, कोई पैसा से, इसलिए कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहा तो उदास है, संसार में हम दुखी है। अब देखना संसार में देखना पिता माता ठीक ठाक, लेकिन अगर बच्चे दुखी होना पिता माता भी दुखी हो जाते हैं, लेकिन नहीं, हर पिता माता क्या कह चाहते हैं, मेरे बेटे अच्छे बने, बढ़िया नौकरी चाकरी करे, खूब पैसा कमाए। देखना बच्चे अगर खुश रहे ना पिता माता भी खुश रहते हैं, क्यों, मेरे बच्चे सही सलामत है। अगर पिता माता खुशी, अगर बच्चे दुखी, पिता माता को सुखी हो सकते हैं, सुखी हो सकता है नहीं। इसलिए हमारी असली पिता माता कौन है, कहना तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें, असली जो पिता माता श्री बांके दिया है ठाकुर ही हमारी असली पिता माता, हम सबके सब उनके बच्चे हैं। लेकिन ये संसार में हम आकर के तरह तरह का दुख और कष्ट उठा रहे हैं, तब पिता माता कैसे खुश हो सकते, खुश हो ही नहीं सकते। इसलिए भगवान क्या करते हैं, कहते इसी जगत में ये संतों को जगत में भेजते, बोले भैया तुम दुनिया में जाओ, उनको समझाओ असलियत में तुम्हारी घर कहाँ हो, तुम रहने वाले किधर के हैं, हैं तुम कहाँ के रहने वाले हैं। अभी ये असली पिता माता को भूल करके जगत में नकली पिता माता को ही पिता माता मान लिया, असली घर को छोड़ करके नकली घर को घर मान लिया है। अभी दुनिया में हम रहने वाले नहीं, भले जितने अच्छे घर बनाओ, दुकान बनाओ, मकान बनाओ, क्या हम रह सकते हैं, क्या रह नहीं सकते, इतने हमें छोड़ना पड़ेगा, जगत को हमें छोड़ना पड़ेगा। इसलिए एक जन्म नहीं, जन्म जन्मांतर से पकड़ रहे हैं, छोड़ रहे हैं, पकड़ रहे हैं। अभी प्रश्न है कब तक ऐसे पकड़ेंगे, छोड़ते रहेंगे, बोले जब तक हम अपना घर में वापस नहीं जाते। अपना घर कहाँ पर है, भगवान कहते तुम्हारी जो असली घर है ना मेरे चरण में, बोलो को वृंदावन वैकुंठ तुम्हारी घर है, लेकिन तुम मेरे को भूलने का वजह से संसार में दुख कष्ट पा रहे हो। इसलिए भगवान क्या करते, साधु संतों को जगत में भेजते हैं, कहते उनको भेज करके क्या करते हैं, बोले जाकर उनको बताओ भैया तुम्हारी घर कहाँ है, तुम्हारी असली घर कहाँ पर, जा उनको जाकर के बताओ, समझाओ तुम असलियत में है कौन, कहाँ से आए, क्या कर रहे हो, कहाँ, उनको समझाओ। इसलिए जो गुरु जी होते हैं भगवान की कृपा ही एक मूर्ति रूप धारण करके जगत में आते हैं, हमें समझाते हैं भैया जब तक तुम प्रभु की भक्ति नहीं करोगे हरि विमुख का भी सुख नहीं पावा। भगवान से विमुख होकर के रावण जैसे व्यक्ति कितने पैसा इकट्ठे करने पर भी, एक से एक सुंदर स्त्री होने पर भी, 1 लाख बेटा 1.25 लाख नाती रहते हुए भी शंकर भी सुखी सी, रावण भी सुखी नहीं कर पाए। तुम कितने पैसा कमा लोगे दुनिया में, इसलिए सुखी कौन है, कहते सुखी वह है जो राम का दास है, जो कृष्ण का दास है, वही सुखी है।
इसलिए भगवान की कृपा ही ये एक मूर्ति उदाहरण करते हुए जगत में आते हैं, हमें समझाते भैया अगर जीवन में सुख पाना चाहते तो भगवान की भक्ति करो। शांति सुख तो ठाकुर के चरण में ही है। अशोक अभय अमृत आधार तुम्हार चरण द्वय, तुम्हारे चरण में ही अशोक है अभय और अमृत, तुम्हारे चरण में ठाकुर जी के चरण में ही ये आनंद है। इसलिए अगर तुम शांति सुख पाना चाहते ठाकुर के भजन करो। बोले क्या करना पड़ेगा वहां जाने के लिए, क्या करना पड़ेगा बता देते ना। जैसे विदेश जाने के लिए तीन चीज चाहिए, पासपोर्ट वीजा और टिकट। ये पासपोर्ट क्या है, बोले गले में तुलसी की कंठी पहनो। अभी कितना महीना हो गया है, जरूर गले में कंठी होनी चाहिए। अगर गले में कंठी, एक भी तुलसी कंठी गले में कहीं भी शरीर छोड़ोगे, सीधा ठाकुर के पास में जाओ, सीधा ठाकुर के पास में जाओगे। लेकिन गले में अगर कंठी नहीं रहेगा ना, तुमको नरक से कोई भी, दुनिया की कोई भी तुमको नरक से बचा नहीं सकते। मैंने ये जन स्वयं कह रहे हैं, और जम तो कह रहे हैं जो भक्ति नहीं करते ले आपको पता कहीं चलेगा। बोले देखना गले में कंठी हो। इसलिए कहता दो तरह के कुत्ते, एक पालतू एक फालतू है। जो पालतू कुत्ते गले में पट्टा रहता है, और जो फालतू कुत्ते बिना पट्टे के जो रोड रोड में घूमते हैं। इसलिए पालतू को ही मारता है और फालतू को ही छोड़ता है। इसलिए पालतू बने किसकी माने, पाती बिहारी भगवान की हमें पालतू बननी चाहिए, ठीक है ना। गला में जरूर कंठी पहनो, जैसे ठाकुर को जितने भोग लगाओ, जब तक तुलसी पता नहीं देते हो ठाकुर ग्रहण नहीं करते हैं। जब तक गले में तुलसी कंठी नहीं हो ठाकुर हमारी सेवा ग्रहण नहीं करते। गले में जरूर कंठी को गले में पहना करो। दूसरा नंबर क्या है, कहते भीजा होनी चाहिए। भीजा क्या है, ये तिलक है। भीजा ये तिलक, अभी तिलक की कितना कथा सुन रहे, जरूर तिलक लगाओ। देखो भगवान कृष्ण को देखो, राम को देखो, नारायण को देखो, तिलक लगाए कि नहीं ठाकुर, ठाकुर भी तिलक लगाते। हनुमान जी को देखो, गणेश जी को देखो, पहले हमारे देखना आपको पिता माता सबको देखना, पहले सब चंद्रन खींचते थे ठाकुर को तिलक लगाते थे, आपने भी तिलक लगा ले, यही करते थे, करते थे कि तुम्हारे भैया पिताजी यही करते तिलक लगाते थे। इसलिए जरूर तिलक लगाया करो, इसकी बड़ी महत्व है। उर्ध्व पुंड तिलक ऐसे नहीं फोटा लगा दिया, थोड़े समय बैठ जाओ भैया, ए हीरो बैठ जाओ, थोड़े समय बैठ 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 बैठो, दो मिनट बैठ जाओ, एक साथ में सब आ, अभी खत्म, पांच मिनट खत्म हो जाए। इसलिए क्या करो, तिलक लगाओ गले में, तुलसी की कंठी धारण करो, और जो टिकट किया है बोले भगवान का नाम, ठाकुर का नाम ही ये टिकट है। इसलिए अंतिम समय में तो यही बोलते बोलते ले जाते हैं ना, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बल गत्य है, सब परिवार झूठा, यही बोलते बोलते ले जाएंगे। जितने प्रभु का नाम लिया वही सच्चा है, और जगत में सब ही झूठा। भैया जब जगत में सब झूठा, प्रभु का नाम ही सच्चा है, फिर वो नाम क्यों नहीं करेंगे। इसलिए मीरा कहती है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, और अंतिम समय में यही नाम धन ही हमारे साथ में जाएगा। इसलिए कबीर कहते हैं मरने में सब जगत डरे, मेरा मन आनंद। तो दुनिया में मरने के लिए सब डरते हैं, लेकिन मैं खुश हो रहा हूँ। किसने कहा भैया तू क्यों खुश हो रहा है, दुनिया डरते हैं, देखो क्या कहते हैं। बोले इसलिए मैं खुश हो रहा हूँ, मैं जिंदगी भर प्रभु का भजन किया है, हरि का नाम लिया, मेरे को पता भैया मेरे लिए बिहार की व्यवस्था होगी, क्योंकि मेरे लिए माला ही माल है। लेकिन एक व्यक्ति डरता क्यों, बोले भगवान की तो भक्ति किया नहीं, हरि का नाम नहीं लिया, पता नहीं कौन सा जीवन में कहां पर जाए, कुछ बताए हैं। इसलिए क्या करो, भगवान के नाम, जो गुरु जी ने जो माला दिया है वो माला नहीं दिए गुरु जी, साक्षात भगवान को दिए ठाकुर जी। जिस समय हमारे पास में माला आती है ना, माला नहीं, इसलिए कहते ना हरि से बड़ा हरि का नाम है, माला नहीं, हमारे पास में ठाकुर जी आए। इसलिए क्या करनी चाहिए, बोले ठाकुर को सेवा करो। बोले सेवा कैसे करे, बोले जब भगवान के नाम जब करते हैं उनको सेवा ही कर रहे हैं, सेवा ही कर रहे हैं। इसलिए गुरु जी कहते थे माला को कभी भूखे मत रखा करो, भूखा रखना मतलब एक दिन अगर माला नहीं जप किया, ठाकुर जी भूखे रह गए, खाना नहीं खाए, स्नान नहीं किए, एक दिन अगर हम स्नान नहीं करेंगे, कपड़ा नहीं बदलाएंगे, अच्छा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा।
इसलिए रोज माला कुछ ना कुछ करनी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए महाप्रभु क्या बोले, महाप्रभु क्या बोलते हैं, बोले जो लखपति नहीं बनेगा उसको हाथ में खाना नहीं खाएंगे, बोले जो 100,000 हरिनाम नहीं करेगा, भैया 100,000 नहीं कर सकते, कब थोड़ा बहुत तो करो, ठीक है। रोज माला जप करना, तिलक जरूर लगाया करना, गले में कंठी पहनो, जो कुछ खाओ ठाकुर को भोग लगा कर खाओ, ठाकुर जी को भोग लगा कर खाओ, बस बेड़ा पारी, हमारी बेड़ा पारी है, ठीक है। इसलिए आप लोग, आप सब लोगों को धन्यवाद है, आप लोग गुरु पूर्णिमा के दिन सबके सब यहाँ पर आए हो, गुरु पूजा करने के लिए आप लोग ने आए हो। इसलिए क्या करना, गुरु जी को पूजा किया करना, गुरु जी को क्या पूजा करना, गुरु जी क्या चाहते हैं, पहला नंबर यही चाहते हैं, गुरुदेव सबसे पहले यही चाहते हैं आप भगवान की भक्ति करो, गुरु जी एक ही इच्छा है। इसलिए जब नारद जी जब ध्रुव महाराज को मंत्र दिए, जब ध्रुव महाराज भक्ति करते हुए वैकुंठ जा रहे थे, इसको देख करके नारद जी छलांग छलांग लगाकर नाच रहे थे, बोले क्यों, बोले आज मैंने जिनको मंत्र दिया है, ये मंत्र को जप करते हुए एक जीव वैकुंठ विजय कर रहा है। क्यों खड़े हो, बैठो वहां पर, बता दीजिए, बैठो दो मिनट बैठ जाओ, 3-3 घंटा सिनेमा देख ले तो यहाँ पर चुप हो। इसलिए इसलिए नारद जी क्या बिना बजा रहे थे खुश होकर, क्यों, मैंने एक व्यक्ति को जो मंत्र दिया वो भगवान के मंत्र जप करके वैकुंठ जा रहा है। मतलब क्या, गुरु जी कब खुश होते हैं, जब कोई व्यक्ति शुद्ध रूप में सच्चा हृदय से भगवान की भक्ति करे, जब इसको देखते हैं ना गुरु जी सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज क्या चाहते हैं गुरु जी, एक तो चाहते हैं भक्ति करो, और दूसरी चीज चाहते हैं दूसरों को भी भक्ति में लगाओ, दूसरों को भी भक्ति में लगाओ। इसलिए महाप्रभु कहते हैं जिसको देखो उसको भगवान के बारे में बताओ, ये नहीं पूछो तेरे घर में क्या बना था, सास बहू की लड़ाई हो रही कि नहीं, ये सब बात नहीं पूछना, तो कितना माला किए, हरिनाम कितने किए, अगर तुम्हारी अड़ोसी पड़ोसी कोई मिले तो क्या पूछना, कितना माला किया, ठाकुर को कैसे सेवा कर रहे हो, हैं। भगवान कहते मेरे भक्त का यही लक्षण है, मत तथा मदगता चिंता बोध है परस्पर, मेरे जो भक्त है मेरी चर्चा मेरी कथा मेरी भजन करते हैं। इसलिए क्या करना, भगवान की कथा प्रचार करो, अड़ोसी पड़ोसी जो, लेकिन कब प्रचार कर सकते हो, जब खुद करोगे दूसरों को तो बोल सकते हो, जब खुद नहीं करोगे गले में कंठी तिलक हरिनाम में, फिर दूसरों को क्या बोलोगे, बोल ही नहीं सकते, क्योंकि तुम स्वयं आचरण ही नहीं है। सबसे पहले आचरण रखो, गले में कंठी तिलक माला पहले अच्छे तरह से करो, ठीक है ना, फिर दूसरों को अगर बोलोगे तो देखे, फिर आप बोलोगे तो हरिनाम करो लेकिन खुद नहीं कर ले, फिर वो करेगा कैसे, खुद गले में कंठी तिलक है नहीं तुम्हारे, तब वो दूसरों को क्या बोलोगे, कंठी तिलक लगाओ, बोले नहीं सकते। इसलिए ये तीन चीज को पहले एकदम रेडी करो, ये वैकुंठ का ये वीजा है, वैकुंठ का पासपोर्ट है भगवान को पास में जाने का, ठीक है ना। तीन चीज गुरुदेव हमें दिया, कंठी माला और तिलक, ये तीन चीज को पकी रखो, हैं? ये तीन जिसको जिसका पकी है ना वो जरूर भगवान के धाम में जरूर आ जाओगे, ये तीन चीज पकी रखना, ठीक है ना। हाँ, तिलक लगाना, सर्वनी करना, कंठी पहनना, हरि हरि का नाम करना, और दूसरों को भी भक्ति के बारे में दूसरों को भी बताओ। इसलिए हमारे गुरु जी कहते थे, बोले एक व्यक्ति को अगर प्रभु के बारे में बता करके भक्त बना दिया, देखो इधर माताएं, मैं जब अगली बार आऊंगा ना देखूंगा एक एक माता, कम से कम 5-5 माताओं को भक्त बनाया हुआ, कितने कितने भक्तों को बोलो जोर से, कम नहीं, जब अगली बार आऊंगा दूसरों को कथा सुना करके 5-5 लोगों को रेडी करना, हरिनाम तिलक कंठी लेकर के भक्ति कराने के लिए करने के लिए, ठीक है। कौन कौन करेगा, हाथ उठा, हाँ बहुत अच्छी बात, ताली बजाओ उन लोगों के लिए। हाँ देखो, ये एक चीज को समझो, जब आप किसी दूसरे व्यक्ति को बोलोगे ना भक्ति भजन करो, देखना पहले क्या होगा, तुमको धक्का लगेगा क्या, अरे मैं तो हरिनाम नहीं कर रहा हूँ, मुझे भी करनी चाहिए, है? मैं तो तिलक नहीं लगाता, कैसे दूसरों को बोलूं, मैं ही कंठी नहीं, कैसे दूसरों को बोलूं, फिर स्वयं आघात देगा, फिर तुम भी खुद करना शुरू कर दो, तुम भी करना शुरू कर दो। इसलिए अब जिसको भगवान की भक्ति में लगाओगे ना, हमारे गुरु जी कहते थे,
जिसने संपूर्ण विश्व में हमारी सनातन धर्म प्रचार को कहते हैं एक व्यक्ति को अगर आप समझा बुझा करके प्रभु की भजन में लगा दिया उसको कितना पुण्य मिलेगा। वो कहते थे एक व्यक्ति करोड़ों करोड़ों हॉस्पिटल खोल दे, करोड़ों करोड़ों स्कूल कॉलेज खोल दे, जितने पुण्य मिलेगी, करोड़ों करोड़ एक एक नहीं, अगर उसको जितने पुण्य मिलेगी उससे करोड़ों गुण ज्यादा पुण्य मिलेगी उसको अगर एक व्यक्ति को समझा बुझा करके भगवान की भक्ति में लगा दिया। भगवान की भक्ति में एक व्यक्ति को अगर भक्ता भक्ति में लगा दोगे इतने पुण्य है जो सोच नहीं सकते। आप बोलो क्यों इतना महत्व क्यों? एक कथा बात की कथा सुन लो, स्टोरी, इसको दिमाग में बैठा रहना। हम जो जिसको भक्ति में लगाते हैं इतने पुण्य क्यों, इसको अच्छे तरह समझ लो। बोले एक समय कोई एक पिताजी अपना बच्चे को लेकर मेला में गया और मेला में बड़ा टहल चल लगा हुआ था, दोला लगा हुआ, पता नहीं कितने कितने तरह का नाटक नवेल हो रहा था। अभी वो बच्चा पिताजी का हाथ पकड़ करके बड़ा आनंद ले रहा था, लेकिन वो मेला में बड़ा टहलचल था। ऐसे देखते देखते क्या हुआ, हठात कैसे भूल से वो बच्चा का हाथ पिताजी के हाथ से अलग हो गया। जब अलग हो गया देखा पिता भी अलग बच्चा भी अलग है, वो बच्चा रो रहा है, वो पिता भी पागल होकर के हैं अपना पिताजी को ढूंढ रहा है। अभी ये बच्चे का अलग देख करके छोटा बच्चा, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, कोई इसको टप्पी दे दिया थोड़ी समय के लिए रोना बंद, फिर रोना शुरू कर दिया, किसने के खिलौना दे दिया थोड़ी समय के लिए खिलौना खुश हो गया फिर रोने लग गया, कोई भी चीज दो थोड़ी समय के लिए तो दुख दूर होता है फिर रोना शुरू कर देता है। कोई एक बुद्धिमान व्यक्ति था, बोले भैया ये जब तक ये अपना पिताजी को साथ में नहीं मिल लेगा ना, भले ही हम जो कुछ दे दे इसका कभी दुख कष्ट दूर न मिलवा, इसलिए उसको पिताजी को पहले ढूंढो। तब उन्होंने उसको पिताजी को ढूंढा, ढूंढते ढूंढते देखा एक व्यक्ति पागल होकर के मेरे बच्चा कहीं खो गया, तुम देखे हो मेरे बच्चा? उसने कहा हाँ एक बच्चा वहां पर रो रहा है। बोले कहां पर? बोले वहां पर। बोले ले चलो उसको ले आए। बोले तेरे बेटा है? बोले हाँ ये बेटा है। बोले ये तेरे पिताजी? बोले हमारे पिताजी। जब उसको पिताजी का हाथ पकड़ा दिया ना बेटा का सारे दुख खत्म, बेटा खुश, उसको कोई टफी देने का जरूरत नहीं, उसको कोई खिलौना देने का जरूरत नहीं, क्यों? वो अपना पिताजी को साथ में मिल गया हैं। इसलिए ये चीज को समझो, ये संसार में किसको एक कपड़ा दुखी एक कपड़ा दे दिया, बताओ कितने दिन तक कपड़ा पहनो? दो चार महीना में खत्म हो जाएगा। कोई भूखा है खाना खिला दिया कितना समय के लिए? दो तीन घंटा में फिर भूख लगने लग जाएगी। कोई थोड़ा बुखार हो गया मेडिसिन दे दिया फिर सही फिर बीमारी आ जाएगी। इसलिए जगत में आप जितने जो कुछ दो ना वो थोड़ी समय के लिए, वो थोड़ी समय के लिए जगत में तो दया कर, जैसे वो बच्चे को कोई टफी दे रहा था कोई खिलौना ये भी था दया, लेकिन उसको ऊपर में सबसे बड़ी दया किसी ने की है? अरे बोलो उसको ऊपर सबसे बड़ा दया किसने किया है? जिसने उसको पिताजी को ढूंढ करके ला दिया, जब पिताजी का हाथ पकड़ा लिया ना सब दुख खत्म। इसलिए हमारे असली पिता कौन है? भगवान कृष्ण है। हम उसको भूलने का वजह से जगत में सारे दुख है, उनको भूलने का वजह से सारे दुख है, लेकिन जब कोई व्यक्ति हमें उनसे मिला देगा हमारे सारे दुख कष्ट दूर हो जाएंगे हमारे है। इसलिए वो हमारे गुरु जी कहते हैं आप जिसको प्रभु की भजन में अगर एक व्यक्ति को ले आओगे गुरु जी से मिला करके भगवान की नाम दिला दोगे ना, कहते सबसे यही बड़ी दया, इससे बड़ी दया जगत में कुछ भी नहीं। ठीक है, अगली बार मैं जब आऊंगा एक एक व्यक्ति में देखूंगा कम से कम कितने कितने व्यक्तियों को, मैं सबको पूछूंगा कितने कितने भक्त हमने इकट्ठे किया हो। ठीक है ना, पांच पांच भक्तों को लेकर के आना, भगवान की कथा उनको सुनाओ, भजन में लगाओ, अपना भी कल्याण और दूसरों को भी कल्याण होगा। क्या जाने के लिए बच्चे रो रहे हैं ना? अभी बच्चे का शादी नहीं हुई तुम्हारे, छोटे छोटे बच्चे हैं। हाँ ठीक ठीक है, हरे कृष्णा। हाँ।
अभी हम एक कीर्तन करेंगे, उसके बाद में आप लोग जो फूल है ना ये सबका हाथ में दे दो, थोड़ी थोड़ी फूल हम, क्योंकि हम गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में आए हैं। हमारे जो गुरु जी बड़े गुरु जी है ना यहाँ पर है, ठाकुर जी है, अब उनके चरण में थोड़ा थोड़ा सबके सब फूल देना। ये फूल ले लो, सबका हाथ में थोड़ा थोड़ा दे दो, ले लो ये फूल सबका हाथ में थोड़ा थोड़ा दे दो। हाँ, आप लोग मेरे पीछे पीछे भगवान के नाम को जप कर दो, तो थोड़े थोड़े दो, और एक दो व्यक्ति मिल जाओ भैया के साथ। आप जो जो पूजा करना चाहे आ जाओ। बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे।